सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव को लेकर बोला बीजेपी पर हमला, कहा सरकार ओबीसी के लोगों को भागीदारी नहीं देना चाहती, ओबीसी को गुलाम बनाने की चल रही है साजिश। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर योगी सरकार ने किया आयोग का गठन, रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित, 6 महीने के भीतर रिपोर्ट। निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले का मामला, प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकती है एसएलपी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे चुनाव, सपा का अपना एजेंडा रहता है। चुनाव प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी, देश में कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया पर काम शुरू, चुनाव आयोग ने राज्यों से मांगी राय। पीएम मोदी ने की यूपी के जेलों की जमकर तारीफ, जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति का बयान, पीएम मोदी ने खुद उनको बुलाया, प्रदेश की जेलों की व्यवस्थाओं के बारे में भी जाना। यूपी में नए साल में 100 ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 19 IAS 65 IPS अफसरों को मिलेगा प्रमोशन, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई DPC की बैठक में बड़ी सहमति। जन शिकायतों पर गंभीर, सीएम योगी, शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर गलत या ना फीड करने पर कार्रवाई, 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड का बड़ा फैसला, बहुमंजिला इमारतों का ऑडिट किया जाएगा, स्ट्रक्चरल ऑडिट की पॉलिसी पर लगी मोहर, 5 साल तक स्ट्रक्चरल ऑडिट का खर्च देंगे बिल्डर, जल्दी तैयार किया जाएगा एक पैनल। संभल में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के आरोपी जावेद का मकान किया कुर्क, 11 लाख कीमत का है मकान, आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज। औरैया में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट, बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर लूटे 6 लाख। सीतापुर में कोहरे के चलते बड़ा हादसा, 24 से ज्यादा मजदूर घायल हुए, बस के खाई में गिरने से हादसा हुआ था, सभी घायलों को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जालौन में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित ट्रक खाई में गिरी, ट्रक सवार दोनों की हालत गंभीर। बिजनौर में आवारा पशुओं को लेकर डीएम ने लगाई गांव में चौपाल, ग्रामीणों के पशुओं का सर्वे शुरू हुआ। बुलंदशहर में आवारा पशुओं से फसल बचाने को किसान दे रहे खेतों में पहरा, भीषण ठंड में किसान खेतों में रात गुजारने को मजबूर। मऊ में 3 बदमाशों ने पॉलिटेक्निक छात्र को गोली मारी, वाराणसी रेफर किया गया। चित्रकूट के हटवा गांव में घर के बाहर मिला बुजुर्ग का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बागपत में कब्रिस्तान की पेड़ से लटका हुआ मिला युवक का शव, शव के पास से मोबाइल और सुसाइड नोट भी बरामद। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, ससुरालियों पर हत्या का आरोप। सीतापुर में 8 दिन में धर्मांतरण के 8 मामले आए सामने, 37 आरोपियों पर दर्ज किया गया केस, अब तक 25 आरोपियों की गिरफ्तारी। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले रविवार की छुट्टी का नहीं है कोई प्रस्ताव, कमर अली का बिगड़ गया है मानसिक संतुलन। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर एक व्यक्ति की हत्या, दबंगों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। चंदौली में शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, गला काट कर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। बहराइच में डीसीएम ट्रक ने युवक को टक्कर मारी, मौके पर युवक की मौत। मैनपुरी में किसान की गोली मारकर हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित। अखिल भारत हिंदू महासभा के नेतृत्व में निकाली जाने वाली छत्री यात्रा पहुंची अयोध्या, यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।